क्या होगा किसान आंदोलन का और क्या ट्रैक्टर परेड में अब भी पेश है दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से किसी भी वक्त शुरू होने वाली है। आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लेकर चलेंगे। दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या नियम तय करती है। एलन राव हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस के साथ जुड़े रहे और विजय सरदाना कृषि विशेषज्ञ। विजय जी, आपने सबकी बात सुनी, इसके पहले बोलिए अपनी बात, क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि इस देश में सिंगल पॉइंट एजेंडा यह है कि किसान की हालत कैसे सुधरे। दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई, लेकिन मेरा एक बात का ये कहना है कि हमारे किसान भाइयों को यह समझना पड़ेगा कि आज आप 1960 में नहीं हैं, आप 2021 में हैं। वो जमाना नहीं है जब हमारे यहाँ शॉर्टेज थी, आज हमारे यहाँ बहुत कुछ सरप्लस में है, ज्यादा प्रोडक्शन है, जरूरत से ज्यादा है। हम पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थे, आज हम विश्व अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हैं। अगर हम इन बातों को रख के सामने अगर हम पॉलिसी बनाएंगे तो निश्चित रूप से पॉलिसी सही बनेंगी और हम किसानों का भला कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि साहब 1960 की पॉलिसी से हम 2021 में देश चलाएंगे तो साहब ये हो नहीं सकता, क्योंकि इससे किसान भी बर्बाद हो जाएगा और देश भी बर्बाद हो जाएगा। जब तक ये आधारभूत चीजें सामने नहीं होंगी, अब हुआ नहीं है 54 रुपए पर डीजल की कीमत पहुंच गई, अभी भी भला नहीं हुआ क्या किसानों का? आलोक जी, 15,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। फिर आप बोलने लगे वो राजनीति, फिर आप बोलने लगे। बिल्कुल, आप मेरे बीच में सब बोल रहे थे। आलोक जी, मुझे बताइए, आलोक जी, आलोक जी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो बिल्कुल नहीं बोले। आधे घंटे तक केवल चुपचाप सुनते रहे आप तीन लोगों को, पूरा आधा घंटा उन्होंने आप तीनों को सुना। बात बताइए, ये जो आपने आलोक जी, आप किसी का बदला किसी और से निकालेंगे, क्योंकि सैयद जफर इस्लाम आपके बीच में बोल दिए तो आप सबके बीच में बोलेंगे। आलोक जी, उचित नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। आप चाहें तो फिर जैकेट उतार के नारा लगाने लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो आपका चॉइस है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं लगेगा, और कुछ नहीं। सवाल पूछना गलत है क्या सर? सवाल पूछने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति की बात तो खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। आप पहला कॉमेंट तो खत्म हो देंगे किसी का, कम से कम पहला कमेंट। आपको जब टोका, मैंने जफर साहब को रोका उसी समय कि कम से कम उनका कमेंट पूरा होने दीजिए, उसके बाद सवाल लीजिए। लेकिन आप अगर दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे तो फिर तो ये माना जाएगा ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, हम तो इसी सोच के साथ आए कि थूक देंगे। सर ऐसा नहीं हो रहा हूँ रोहित जी, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ। सबसे पहले पूछिएगा, लेकिन पहले उनका पहला जवाब तो खत्म होने दीजिए। आपको पूछने से रोका नहीं है, लेकिन पहले उनका जवाब खत्म होने दीजिए। मैंने आपसे जहाँ सवाल पूछ दिया सीधा, तो आप घबरा गए कि नहीं परसों तय होगा, अभी तो 26 जनवरी आई नहीं है। तो सर कौन सा सर वहाँ कौन सा लैंड वहाँ कौन सा लैंड एक्विजिशन हो गया है जिसके लिए आप किसानों को धमका रहे हैं कि तुम्हारी जमीन चेंज होगी? इसलिए सर ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज आप पहले उनको सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुद्दा नहीं, लेकिन आप बीच में बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं। मुद्दा नहीं इनके पास, प्लीज इसका उत्तर लेना चाहिए। आलोक जी, उत्तर तब जब आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा, लेकिन जब आपका सवाल पूछने का नंबर नहीं आया, आप चिल्लाते रहे कि मेरा उत्तर दो मेरा उत्तर दो, तो कोई उत्तर नहीं है उसका। प्लीज सर, नहीं गलत तरीका नहीं होगा। प्लीज आवाज डाउन कर रहे हैं, विजय जी बात पूरी करेंगे, फिर आप सवाल पूछिएगा अपना। बोलिए विजय, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सब किसान के साथ हैं, इसमें कोई इस देश में ये नहीं चाहता कि किसान का बुरा हो। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। अब समस्या ये है कि आज आपकी मजबूरियां ये है कि आप एक WTO पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। आपने जैसे ही किसानों की सब्सिडी बढ़ाई, तीन देश आपके खिलाफ WTO में चले गए, और वही देश जो आज कह रहे हैं किसानों के साथ हमें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, साथ में यूरोपियन यूनियन, वो कहते हैं आप इतनी ज्यादा सब्सिडी किसानों को दे रहे हैं, ये गलत है। 56 नोटिस दिए हैं कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने। अब समस्या ये है कि आपने एक WTO एग्रीमेंट साइन किया जो कांग्रेस ने किया, अब उसकी ये बात नहीं करेंगे, उन्होंने साइन किया, चलिए मान लीजिए उन्होंने देश हित में किया था। अब जो मजबूरियां हमारे पे आ गई, हमें उसके बीच में से रास्ता निकालना है। अब इस रास्ते को अगर हम समझ के चलेंगे, और किसान भाइयों से मेरा निवेदन यही है कि जिस बात आप कर रहे हैं C2+50% फॉर्मूले की, मैं आपके सामने दो तीन उदाहरण रख देता हूं, मैं ज्यादा पॉलिटिकल चर्चा जानता नहीं हूं। पिछले 10 साल में आपका चीनी का सरकार को भी सलाह दे देंगे, पॉलिटिकल आपसे भी बड़ा कोई पॉलिटिकल है इसमें क्या? 45 लाख टन एक्सपोर्ट, घट के रह गया 4 लाख टन। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब हमें फोकस करना पड़ेगा कि किसान को कॉम्पिटिटिव कैसे बनाए, किसान को नई टेक्नोलॉजी कैसे दें ताकि किसान कमा सके,
ठीक है, देश में भी और विदेश में भी, और वो इन तीन कानूनों से होगा आपको लगता है? आर्थिक स्थिति सुधरे, वो इन तीन कानूनों से होगा आपको लगता है? करने से आंसर नहीं निकलेगा, वो इन तीन कानूनों से ही होगा, कॉम्पिटिटिव बनाना किसान को, उसका इक्विपमेंट बेहतर करना। जब तक आप टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि आज भारत सरकार की मजबूरी क्या है, अगर आप बजट उठा के देख लो, आपका 16.5 लाख करोड़ का टोटल टैक्स कलेक्शन है, आप सब जगह पहले उस पैसे को लगा चुके हो, आपके स्कूलों में मास्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, सड़कें नहीं है, बाकी समस्याएं हैं। अब आप जब तक प्राइवेट कैपिटल नहीं लाओगे, आपका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका कोल्ड स्टोरेज, आपका एक्सपोर्ट मार्केटिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग कैसे अपग्रेड होगा? ओके, सरकार का अगर पैसा लगा दोगे तो आप स्कूल खाली कर दो। आलोक जी बोले, उसके बाद राव साहब आपके पास आ रहे हैं। ठीक है आलोक जी बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि इन जो तीन कानून आए हैं इनका WTO से कोई लेना देना नहीं है। अभी विजय सरदाना जी बिल्कुल पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। इनका सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सब्सिडी का कहीं कोई जिक्र नहीं। ये तो कहते थे नोटबंदी के बाद तो जो है वो देश पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, उसी तरह के तर्क आज दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कानूनों को रद्द करके दो महीने में आपकी सब्सिडी पे ऑब्जेक्शन आया या नहीं आया? जी, एक बार वो कांग्रेस के WTO के खिलाफ साइन कर दिए थे ना, रिक्वेस्ट करके साइन को वापस करवा लेते, WTO से वो एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार अगर WTO से निकलना चाहे तो यूनिलेटरली निकल सकती है। बजट सेशन में प्रस्ताव लिया ही है कांग्रेस। अरे सर एक मिनट, सर रुकिए ना, सर रुकिए। आपने कहा कि भला होना चाहिए, कैसे भला होना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं तो कांग्रेस प्रस्ताव लाएगी। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पे लगा दिए, 54 रुपए से डीजल 75 रुपए पे पहुंच गया, 820% एक्साइज ड्यूटी लगा दिया आपने, इनपुट कॉस्ट 15,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ गई। क्या किसान का यही भला होगा क्या? 6,000 रुपए दे के 15,000 रुपए उसकी जेब से निकाल लिए, फिर आप कहते हैं 1.5 साल तक स्थगित हो जाएगा कानून। क्यों हो जाएगा भाई 1.5 साल? आप सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, आप 2 साल में नया क्यों नहीं बनवाते? इनको रद्द करते और 2 महीने में तो आप लगातार अगर किसानों से बातचीत करते तो नया कानून बनकर आ सकता था।